हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम 11 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ANT और OEX के बीच में होने वाले नए बेल्जियम T10 सीरीज़ के बारे में। तो बेल्जियम का T10 सीरीज दोस्तों आज से चालू होने वाला है, जो कि आज खेला जाएगा। और ये दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये मेरा चैनल है और इस चैनल पे आप सभी को अब डेली अपडेट्स यहाँ से आपको मिलेगा। तो उन दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस मैं यहीं पे आप सभी को अपडेट दूंगा और टीम भी आपको यहीं मिलेगा। तो ये टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तो आप लोगों को ज्वाइन होना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं एट लास्ट मैं आपको टीम दूंगा। और यहाँ पे आप इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम में भी आपकी जो क्वेरीज रहेंगे मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो ये इंस्टाग्राम का हमारा चैनल है, सॉरी चैनल भाई, ये हमारा अकाउंट है, तो इस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और चलिए दोस्तों, जो कि बेल्जियम का T10 सीरीज स्टार्ट हो गया है, और इस मैच के बारे में अपना बात कर लेते हैं। तो चलिए, तो T10 का फर्स्ट और सेकंड मैच खेला जाएगा एंटवर्प और ऑस्टेंट एक्साइल्स के बीच में, जो कि खेला जाएगा 29 अगस्त को, मतलब कि आज 12 बजे। दो मैच, फर्स्ट मैच 12 बजे होगा और सेकंड मैच 2 बजे होगा। वेन्यू रहेगा दोस्तों ब्रिक ब्रॉक क्रिकेट ग्राउंड बेल्जियम का। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ ये जो कि आपको पता है कि आर्टिफिशियल विकेट रहेगा, तो बिहेवियर में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें तो 80 से 100 के बीच में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ANT के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो यहाँ से जुल्कर्नेल तसावर सैरी बट ओपन करेंगे दोस्तों। जुल्कर्नेल तसावर एक बहुत ही हार्ड हिटर बैट्समैन है दोस्तों, और इसका देख सकते हैं कि 11 ODD मैच में 270 रन, 68 का इसका एवरेज है। सैरी बट भी बहुत हार्ड हिटर बैट्समैन है, इसका T10 के 35 मैच में 990 रन, 41 का एवरेज है दोस्तों। और उसके बाद वाहिदुल्ला जबर खेल जो है, 17 मैच में ODD के 513 रन, 6 विकेट है दोस्तों। ये ना ओपन भी कर सकता है, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। बाकी आपको लाइनअप जैसे आता है तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। और उसके बाद नदीम खान 9 मैच 323 रन, 2 विकेट। जेमी फर्मिलो 1 मैच 32 रन। T20 एक मैच खेला है दोस्तों, इसने T10 नहीं खेला अभी तक, T20 का इसका रिकॉर्ड एक मिला मुझे। और उसके बाद इलियास जहीर ODD के 6 मैच में 109 रन, 11 विकेट। बुरहान नियाज T10 के 17 मैच में 153 रन, 14 विकेट। नवाज खान खेल ODD के 5 मैच में 11 रन, 5 विकेट। सकलेन रजा T10 के 6 मैच में 3 विकेट, 8 ओवर डाल के। अदनान रहीमी ODD के 2 मैच में 3 विकेट, 9 ओवर डाल के। उसके बाद तैयब अली ODD के 10 मैच में 79 रन, 14 विकेट। और चलिए दोस्तों, फिर यहाँ से आपके टीम में कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए जो आपको स्मॉल लीग में विन कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, जुल्कर्नेल तसावर जो कि बहुत हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो ये आपके टीम में होने चाहिए। फिर उसके बाद सैरी बट वाहिदुल्ला जबर खेल के साथ मैं जाना चाहूँगा दोस्तों। मैं नदीम खान को नहीं लूँगा, मैं यहाँ से ऊपर से 3 बैट्समैन और फिर इधर से मैं बॉलर्स के साथ जाना चाहूँगा। तो यहाँ से मैं 2 बॉलर लूँगा, तो 2 बॉलर, एक बॉलर दोस्तों कि यहाँ से इलियास जहीर हो गए जिनको मैं लेना चाहूँगा। फिर उसके बाद बुरहान नियाज या फिर तैयब अली, यहाँ से तैयब अली के साथ मैं जा सकता हूँ। तो ये बुरहान नियाज या तैयब अली, दोनों में से किसी एक के साथ जाऊँगा, तो ये आपको पता चलेगा जब मेरी फाइनल टीम टेलीग्राम पे आएगी आफ्टर टॉस। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट ओवर की बात करें तो तैयब अली और बुरहान नियाज यहाँ पे स्टार्टिंग का ओवर डालेंगे। और डेथ ओवर की बात करें तो बुरहान नियाज और इलियास जहीर डेथ में आएंगे।
बेंच में जो प्लेयर हैं आप देख लीजिए, आपको सभी के रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा भी मत, क्योंकि डेली वीडियोस आएंगी, डेली अपडेट आएंगे, तो आप सभी को जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको पहुँचेगा नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आफ्टर टॉस भी मैं आप सभी को टेलीग्राम पे दे दूँगा। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं OEX के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ से दोस्तों ओपन करेंगे फैज़ल महमूद रजा वक्कास के साथ, रजा वक्कास अली और फैज़ल महमूद इस टीम के दो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं जो कि ओपन करेंगे, और बहुत ही हार्ड हिटर, बहुत अच्छे खेलते हैं, अब पूरे पूरे ओवर भी कराते हैं आपको दिख जाएंगे। और देखिए आपको T10 के 29 मैच में 387 रन, 14 विकेट है, और रजा वक्कास अली का T10 के 28 मैच में 256 रन, 23 विकेट। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद सकलेन, सॉरी मोहम्मद सुलेमान, जो कि T10 के 12 मैच में 255 रन, 23 का एवरेज है, ये बॉलिंग नहीं कराता है। और उसके बाद उमेर दीवान अली T10 के 5 मैच में 6 रन, 1 विकेट, 1 ओवर डाल के। डेन वाइट ODD के 4 मैच में 101 रन, 50 का एवरेज है। फिर उसके बाद फवाद छिनवार ODD का मैच खेला है दोस्तों उसने, और 353 रन है, 6 विकेट। और उसके बाद इसनुल्ला बाबर T10 के 10 मैच में 31 रन, और जोहीब हुसैन जो है T10 के 12 मैच में 49 रन और 12 का एवरेज है। सोहिल हुसैन आ जाते हैं उसके बाद T10 के 14 मैच में 31 रन, 13 विकेट, 26 ओवर डाल के, मतलब कि ये बंदा जो है पूरा 2 ओवर करा के देगा आपको, तो रिमाइंड कीजिएगा दोस्तों इसको। और उसके बाद आते हैं जदरान फाहड़ T10 के 7 मैच में 9 विकेट, 10 ओवर डाल के। आदिल दीवान T10 के 9 मैच में 48 रन, 3 विकेट, 6 ओवर डाल के, मतलब 9 मैच में 6 ओवर की बॉलिंग किया है दोस्तों, तो पूरे 2 ओवर तो ये नहीं कराता है। तो चलिए यहाँ से बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट प्लेयर आपकी टीम के लिए कौन से होने चाहिए। तो यहाँ से मैं जाऊँगा दोस्तों फैज़ल महमूद के साथ, जो कि 2 ओवर आपको बॉलिंग करा कर भी दे सकता है, और उसके बाद वकास अली जो कि आपको बॉलिंग कराएगा, ओपन भी करेगा, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद मोहम्मद सुलेमान, इसको मैं रखूंगा अपने टीम में। तो यहाँ से 3 प्लेयर रहेंगे दोस्तों। फिर अगर आप मैं बॉलिंग सेक्शन में चले जाऊँ तो बॉलिंग से यहाँ पे सोहेल हुसैन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए दोस्तों, और जदरान फाहड़, ये दो, मतलब इस यहाँ से 5, और यहाँ पे आपको दोस्तों मैं बता दूँ 5 और 6 का कॉम्बिनेशन आपको लगाना है, या 6 और 5 का, आफ्टर टॉस के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और क्या है, स्टार्ट ओवर में आप यहाँ से स्टार्ट ओवर जादरान फाहड़ और फैज़ल महमूद यहाँ पे स्टार्टिंग का ओवर करते दिखेंगे, और डेथ के ओवर में आएंगे जादरान फाहड़ और रजा वक्कास अली। तो यहाँ से देख लीजिए कि बेंच में जो जो प्लेयर हैं आपको सबके स्टेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और आपको आफ्टर टॉस भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसलिए दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी को मैं बता दूँ कि आप सभी के लिए गिव्वे भी रहेगा, गिव्वे, तो गिव्वे में कैसे पार्टिसिपेट करना है, जैसे कि गिव्वे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वहाँ पे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट जो करेंगे, फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट करने वाले को यहाँ पे 100 रुपये का पेटीएम मेरी तरफ से रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हमारे प्रोबेबल टीम 11 की। तो चलिए एक तो टीम मैं आपको डेमो टीम यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये प्लेयर जयंत सावर जो है,
सॉरी जुल्कर नेतसावर देखिए, इसका सिलेक्शन परसेंट देखिए 2% है, लेकिन इसके मैं आपको दिखाऊं इसका आपको रिकॉर्ड तो आप देखेंगे यहाँ पे। एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये इसका एवरेज देखिए और रन देखिए, इसका सिलेक्शन परसेंटेज देखिए। तो ये आपका एक ट्रम्प प्लेयर रहेगा मेरी तरफ से, तो ये ट्रम्प प्लेयर है और यहाँ से फैज़ल महमूद और ये दोस्तों इसको देखिएगा आप, वाहिदुल्ला जबर खेल के बारे में देखिए कितना अच्छा प्लेयर है। ODD के 17 में जब 513 रन 6 का है जो कि, और यहाँ पे देखिए इसका सिलेक्शन परसेंट देखिए 4.6% बस। और मोहम्मद सुलेमान देखिए इसको, इसका सिलेक्शन परसेंट देखिए, और यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 23 का एवरेज है, बहुत ठीक ठाक प्लेयर है, अच्छा कर सकता है, ऊपर में आता है, तो इसको लेना, ये हमारा ट्रम्प रहेगा दोस्तों। जो मेन मेन प्लेयर है ना उनका सिलेक्शन रेट आप देखिए कि कितना कम है, और यहाँ से ये तो हमारे प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर राजा वकास अली, तो इनको लेना है। फिर उसके बाद ये हमारे इलियास जहीर जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, इनको भी आपके टीम में होने चाहिए दोस्तों। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि ये बुरहान नियाज को आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, उनके स्टेट्स आपको वहाँ दिख जाएंगे। और यहाँ से दोस्तों ये फहाड़ जादरान फहाड़ का कितना अच्छा प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पे 2 ओवर क्या बोलते हैं बॉलिंग करा कर देगा, लेकिन इसका सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है। ये देखिए यहाँ पे T10 के 7 मैच में 9 विकेट लिए हैं दोस्तों, मतलब हर मैच में ये लगभग 1 विकेट इसका फिक्स रहेगा कि 1 विकेट लेगा। तो यहाँ से अपन इसके साथ जाएंगे और यहाँ से शकलेन रजा है दोस्तों, इसका आप देख सकते हैं शकलेन रजा का, यहाँ पे आप मैं दिखाया था आप लोगों को शकलेन रजा, तो शकलेन रजा का देखिए यहाँ पे 6 मैच में 3 विकेट है जो कि आपको पूरा पूरा ओवर करा के दे सकता है। तो ये इसको भी अपने टीम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शकलेन रजा अगर खेलता है तो, खेलता है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा शकलेन रजा, ठीक है। और चलिए दोस्तों यहाँ से 3 प्लेयर हो गए, फिर उसके बाद आपके टीम में होने चाहिए ये और यहाँ से ये बीनियाज, तो ये हमारे टीम रहेगी जो कि फिक्स नहीं है। उसके बाद आपको टॉस के बाद मिल जाएगा, तो कैप्टन रहेंगे दोस्तों मेरे फैज़ल महमूद जो कि ओपन करेगा और आपके लिए 2 ओवर की बॉलिंग भी करा कर देगा। उसके बाद आप वाइस कैप्टन के लिए मैं जाना चाहूँगा रजा वकास अली के पास। तो ये हमारा प्रोबेबल अभी का टीम है, तो आफ्टर टॉस तो आपको टीम मिल जाएंगी, कोई भी प्लेयर खेले ना खेले आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको मिल रही है और ऐसी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और मत भूलिएगा दोस्तों गिववे के बारे में, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करने वाले को 100 रुपये का यहाँ पे मेरे तरफ से पेटीएम कैश रहेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों।